अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये देखिए कितनी प्यारी शुरुआत होती है मेरे मॉर्निंग की। सुबह सुबह ये सारे मेहमान आ जाते हैं और पिछले 3-4 महीने से ये रोज़ आते हैं। इनके लिए मैं खाना भी डालती हूँ और ये बड़े शौक से खाते हैं। पहले तो सिर्फ एक दो ही आया करते थे, लेकिन अब तो कम से कम 15 या 20 पैरट्स तो आसानी से आ ही जाते हैं। तो खैर एनीवेज़, उनको खाना देने के बाद ये वीकेंड है तो हम लोग निकल पड़े हैं बाहर नाश्ता करने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन हम लोग लेट उठे थे इसलिए। तो अब जा रहे हैं बहुत ही अच्छा एक पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत दिन हो गए थे हमने कुछ पाकिस्तानी नाश्ता नहीं खाया था, तो बड़ी तलब हो रही थी हलवा पूरी निहारी खाने की। तो ये ब्रेकफास्ट एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट इन ऊड मेहता, नेक्स्ट टू लैम्सी प्लाज़ा। तो हम पहले भी यहाँ का खाना खा चुके हैं और इधर का खाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी और फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट है ये। मतलब कराची दरबार और रावी वगैरह जो है वहाँ पे बैठने में कभी कभी जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैमिलीज थी, बड़ा अच्छा एम्बियंस था, सर्विस भी बड़ी अच्छी लगी और सबसे अच्छा तो इनका खाना होता है। तो बस यहीं पे अभी हम लोग जल्दी जल्दी हलवा पूरी निहारी वगैरह मंगाएंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर दूसरे काम करेंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे पास जो अजान ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया था, उस प्लांट को जो है रीपॉटिंग करवानी थी, तो मैं रीपॉटिंग करवाने आ गई थी और उस प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया था और ये छोटे पॉट में मैंने एक नया मनी प्लांट डाल दिया था। तो अब हमारे पास 1 से 2 प्लांट हो चुके हैं इनडोर प्लांट्स। तो अब इनको रखा है कार में और साथ में मैं करामा साइड आई थी और करामा साइड आते ही मेरे इतने ज़्यादा काम होते हैं तो वीक में वंस हम लोग आते ही आते हैं और मैंने सारे जो है करामा मार्केट से फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह सब ले लिए थे और अब हम लोग जा रहे थे सारे काम निपटाने के बाद घर की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने करामा से क्या लिया है। करामा का जो अल आदिल है वहाँ से मैंने ये गुजराती मुखवास लिया है। आजकल ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और चाय वगैरह पीने के बाद कुछ मुखवास की ज़रूरत लगती है। बच्चों ने ये एक कच्चा मैंगो बाइट लिया था, वहाँ से उनको पसंद आ गया था। और करामा मार्केट से बहुत अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि पिछले 4-5 महीने से मेरी पहचान का कोई है वहाँ पर, तो वो जो है वो मुझे अच्छे से अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो निकाल के देता है। मुझे जाके चुनना बिल्कुल भी नहीं पड़ता, मैं बस फ़ोन पे ऑर्डर दे देती हूँ कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ और फिर जाके मैं चीज़ें कलेक्ट कर लेती हूँ। तो बस यही है, अब सारा सामान मैं उस जगह पे रखूँगी और उसके बाद जाऊँगी फ्रेशन अप होने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी अभी जस्ट मैं शावर लेके निकली हूँ और नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका है बाहर का। सुबह में काफ़ी धूप थी लेकिन ठंडा था मौसम, लेकिन अभी सीधा बारिश होना शुरू हो गई है। बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हो रही लेकिन आ रही है और जा रही है और बादल भी गरजना शुरू हो गए, तो इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल वो इंडिया के बारिश वाली फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है और बहुत 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 ज़्यादा प्यारा वेदर है। तो इस बार दुबई वाले खुशकिस्मत हुए हैं कि उनको काफ़ी बारिश देखने के लिए मिल रही है, नहीं तो कहाँ साल में एक ही बार बारिश होती है दुबई में। तो आई होप ऐसा मौसम 2-3 महीने तो रहे कम से कम। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी, कुछ ज्यादा ही हो गया। 2-3 महीने कम से कम, 1 हफ्ता भी अगर ऐसा रहे तो हम बहुत शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का। तो देखते हैं अब ये बारिश कब तक टिकती है। तो खाने में मैंने बहुत ही सिंपल चिकन करी विथ राइस बनाया है, वो खाएंगे पियेंगे और फिर निकलेंगे बाहर भटकने के लिए। इतना अच्छा मौसम है और घर में बैठे ऐसा हो नहीं सकता, तो देखते हैं कहीं ना कहीं जाएंगे। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो देख सकते हैं भर भर के अल्लाह की रहमत बरस रही है, कितनी रहमत बरस रही है। इतनी आदत नहीं है तो यकीन भी नहीं हो रहा था और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर तक हम बैठे रहे बालकनी में, इंजॉय किया। उसके बाद खाना वाना खा के जो है हम लोग सो गए थे, कहीं भी निकलने की हिम्मत नहीं हुई। क्लाइमेट इतना अच्छा था, ऊपर से वीकेंड था, तो हम सब जो है वो थोड़ी देर के लिए सो गए। फिर घर पे सोचा कि अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोग फिर रेडी होके निकल गए। और देख सकते हैं कि अभी शाम में कितना यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और डायरेक्ट हम लोगों को पापा रोटी की याद आ गई कि भाई इतनी ठंडी है तो गर्मा गर्म बंस विद चाय तो होना ही चाहिए। पापा रोटी हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत मज़ा आती है खाने में, बहुत ही डिलीशियस है और समथिंग डिफरेंट। तो कॉफ़ी शॉप तो हम वैसे भी जाते ही रहते, तो सोचा चलो इस बार पापा रोटी चलते हैं, मोरक्कन टी पीते हैं, साथ में गर्मा गर्म बंस खाते हैं और शाम को इंजॉय करते हैं। तो पापा रोटी खाने के बाद मुझे याद आया कि थोड़ा घर का सामान मुझे और लेना था, जो मैं सुबह करामा से लेना भूल गई थी। तो वो लेने के लिए हम लोग कैरफोर आ गए थे। और यहाँ पे जो है वो लस्सी हयातना की, ये जो रोज़ लस्सी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूध वगैरह, ब्रेड, ब्लूबेरीज़, और अजान के लिए मैंने स्टेक लिया है जो मैं उसको घर पर बना के देती हूँ। तो बस वही सब सामान हमने थोड़ा कैरफोर से लिया और अब इसको डालेंगे गाड़ी के अंदर और जाएंगे कहीं और। डिनर बाकी था अभी हमारा, तो काफ़ी लेट भी हो चुका था। तो डिनर करने के लिए मन हो रहा था कि बेने डोसा खाया जाए, जो इससे पहले भी मैं अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। श्री कृष्णा भवन जो कि अब वर्षा में खुल चुका है, यहाँ पे जो रवा इडली है और बेने डोसा है, इतना टेस्टी होता है। और इसका एक बार टेस्ट आपके मुँह में बैठ जाता है ना, फिर इसकी क्रेविंग आपको बार बार होती रहती है। तो उसी तरह से हमारे साथ हुआ कि कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था, इसलिए हमने रवा और इडली ऑर्डर की थी और साथ में ये बेने डोसा। इतना स्पाइसी, इतना क्रिस्पी, इतना डिलिशियस डोसा मैंने आज तक नहीं खाया। समथिंग डिफरेंट होता है इसमें, मतलब इसका मसाला भी जो नॉर्मल मसाला है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और उसके साथ जो चटनी ये लोग सर्व करते हैं ना, वो भी थोड़ी सी अलग होती है। और साथ में हमने ये भी मंगाया था जो है मिर्ची भजिया, मिर्ची का भजिया है विथ ऑल द प्याज एंड पीनट्स ऑन द टॉप। ये भी काफ़ी अलग था, बहुत डिलिशियस था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो एक पीस से ज़्यादा हमसे नहीं खाया गया। तो वो सब करने के बाद वहाँ से निकल के अभी हम लोग आ गए हैं सन एंड सैंड स्पोर्ट्स फैक्ट्री आउटलेट है ये। यहाँ पे बहुत बड़ा सेल लगा था और ये सिर्फ लास्ट दिन था, ये हमें अचानक से याद आया कि यहाँ पे लास्ट दिन है सेल का और हम इसे मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि घर में पहनने के लिए ट्रैक पैंट्स एंड टॉप्स वगैरह बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की, मैंने अपने लिए भी एक टी शर्ट लिया है, बच्चों ने और सिराज ने यहाँ से शॉपिंग की है। और शॉपिंग वगैरह करने के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी और मन कर रहा था कि घर जाने से पहले एक और बार हम कहीं चाय पिए, ब्लैक टी। तो हम लोग ये ब्लैक टी पियेंगे और फिर आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। सुबह से काफ़ी प्रोडक्टिव दिन रहा और अभी आप देख सकते हैं रात के 12 बज रहे हैं एंड टेम्परेचर इज़ 18 डिग्रीज। ड्राइव करने का तो इतना ज़्यादा मन हो रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था घर पे जाने का, लेकिन खैर एनीवेज डे यहीं पे ख़त्म होता है और मेरा व्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने भी दुबई की बारिश इन्जॉय की होगी। तो मिलूंगी आपसे नए वाले वीडियो या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।